अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मटन। दोस्तों आज की वीडियो है सैमसंग डाईआर्ट फैन के लिए स्पेशली, पर उससे ज़्यादा ये उन लोगों के लिए हैं जो सैमसंग परचेज करना चाहते हैं या ब्रांड लेने के हमेशा सोचते हैं, और साथ साथ जैसे मुझ जैसा एक टेक रिव्यूअर या कोई भी ऐसा बंदा जो एक वैल्यू ऑफ मनी डिवाइस चाहता है, ये वीडियो उसके लिए स्पेशली। तो इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं सैमसंग A31 की, और साथ साथ आपको बताएंगे कि क्या यार इस मोबाइल का वेट करना चाहिए और या फिर बताएंगे इसकी स्पेसिफिकेशन। पर मेरी बात से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आपको कि यार ये मोबाइल है तो बड़ा अच्छा। तो भाई इस वीडियो में पूरी डिटेल की बात करते हैं और ओवरऑल लुक की बात करते हैं मोबाइल की कि क्या है और क्या दे रहा है हमें सैमसंग। बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लुक की। लुक वाइज बात करी जाए तो ये वैसा ही लुक दिया जा रहा है जैसे सैमसंग का A51 में हमें दिया जा रहा है, बट यहाँ पे हमारे को पंच होल की जगह ड्यूटॉप देखने को मिलती है अभी भी। और साथ साथ अगर बात करी जाए जो इसमें एक खासियत है वो है इन फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ, अब फिंगरप्रिंट सेंसर स्क्रीन के अंदर ही मिलेगा। इसका मकसद ये हमारे को सुपर पैनल देखने को, सुपर एम्बुलेट पैनल हमारे को देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसके लुक की, तो यहाँ पर चार कलर देखने को मिलेंगे, वाइट, ब्लैक, रेड एंड ब्लू हमारे को देखने को मिलेगा, और ये वाकई एक दिखने में बैक पे बहुत खूबसूरत डिवाइस लग रही है। प्लस बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो ये ग्लास्टिक के अंदर बना हुआ होगा, जैसे A51 A71 जैसे बने हुए हैं उसी तरीके से क्वालिटी पर होगा। और सैमसंग की अगर बात करी जाए तो यार नाम को मद्देनजर रखते हुए यार कबूल है। पर अब बात कर लेते हैं इसके मेन चीज़ की, वो है इसकी प्राइस। बहुत ज़्यादा लश प्राइस के साथ आने वाला है। 4GB 64GB मेमोरी वाला वेरिएंट आएगा पाकिस्तानी मार्केट में, और इसकी जो प्राइस होगी मैक्सिमम बता रहा हूँ, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 35,000 रुपी, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 32,000-33,000 में आएगा। पर मैं आपको फिर भी ज़्यादा ही प्राइस बता रहा हूँ इसकी। तो भाई इस प्राइस टैग के हवाले से बात करिए तो बहुत ज़बरदस्त है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पे 6.4 का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 1080p वाला रेजोल्यूशन, और सैमसंग अपने डिस्प्ले में मानी हुई चीज़ है, यानी डिस्प्ले के हवाले से तो हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो अभी तक हमें कंफर्म नहीं किया गया कि प्रोटेक्शन कौन सी यूज़ आई है। तो भाई यहाँ पे हमें जब ये ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट में आ जाएगा तो हमें पता लगेगा कि इसमें प्रोटेक्शन कौन सी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके चिपसेट की, तो चिपसेट हमारे को यहाँ देखने को मिल रहा है हीलियो का P65, 12 नैनोमीटर के ऊपर है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और अगर रैम की बात करूँ तो 4GB की रैम, 64GB स्टोरेज हमारे को देखने को मिलती है। और साथ साथ एक और थोड़ी सी खुशखबरी दे दूँ कि भाई इसमें एक और वेरिएंट आने का चांस है जो 6GB 128GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ, बट वो कन्फर्म नहीं है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे एंड्रॉयड मिलेगा, और सैमसंग का इसमें One UI 2.0 आपको देखने को मिलता है, जो एक बहुत स्टेबल और बेस्ट क्वालिटी है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास की, यार एंड VIP, नो डाउट। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की, तो मेन सेंसर है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो यार कैमरे की साइड से तो आप सैमसंग को किलर है, और वन यूआई के साथ इमेज प्रोसेसिंग को लेके इस कैमरे के हवाले से बात करी जाए तो इस प्राइस टैग के अंदर इससे बेहतर कोई कैमरा हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात कर लीजिए फ्रंट साइड पे, तो यहाँ पर भी सैमसंग पीछे नहीं है, यहाँ पर भी 20 मेगापिक्सल का हमारे को देखने को मिला कैमरा, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त इमेज प्रोवाइड करेगा हमारे को सेल्फी के अंदर। साथ साथ बात कर लेते हैं इसके बैटरी की, तो यहाँ पे 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिली है, और 15W की फास्ट चार्जिंग हमें सैमसंग की तरफ से देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल सैमसंग की ब्रांड वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए ये मोबाइल वाकई आउटस्टैंडिंग है, स्पेसिफिकेशन वाइज भी, कैमरा वाइज भी। ओवरऑल लुक बात करें तो यार सैमसंग का अगर बाद में भी अगर रीसेल की वैल्यू भी इसमें हमेशा अच्छी मिलती है, और सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जो एंड्रॉयड के साथ होता है, बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस हुआ हुआ सॉफ्टवेयर है। तो भाई इस मोबाइल की अगर बात करी जाए कि यार इसमें ये कौनस हैं फलाना नहीं लो ये, तो यार ये गलत होगा भाई। इस मोबाइल में कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट के नियर है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। अगर प्राइस के हवाले से बात की जाए, सैमसंग के नाम को मद्देनजर रखती हुई रखा जाए, तो ये एक VIP किलर डिवाइस होने वाली है। और सैमसंग ने बता दिया है सबको कि भाई पिछले साल तुमने बड़े ऐश कर लिए 2019 में,
अब आ गया टाइम वापस, सैमसंग ने बहुत ज़्यादा कैप्चर करने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे सैमसंग की A51 हम डिवाइस देख लें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 50,000 रुपीज़ की रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रही है। तो जैसे ही ये कोरोना वायरस की वजह से मामला जो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, दुनिया परेशान है, जैसे ही मामला निपटेंगे तो वैसे ही फौरन ये मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो भाई अगर वेट कर रहे हो मोबाइल का और ये वायरस कैसे निकलने के बाद, तो भाई इस मोबाइल को ज़रूर चेकआउट करो। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि वाकई ही एक लेने के काबिल डिवाइस इस प्राइस टैग के अंदर। अगर दूसरे ब्रांड की बात करूँ तो यहाँ पे वीवो S1 को फारिग कर देगी डिवाइस, रेडमी नोट 8 को फारिग कर देगी, Huawei Y9 Prime 2019 को फारिग कर देगी, इवन के उससे ऊपर कैटेगरी पे जा सकती। कैमरे वाइज बात करी जाए तो मैं बोल सकता हूँ रेडमी नोट 8 प्रो को भी पीछे छोड़ देगी। अब जब तक इसकी प्रॉपर इमेजेस नहीं आती तो मैं नहीं बोल सकता, पर मेरा 80% अंदाज़ा है सैमसंग के नाम की वजह से, उसकी इमेज प्रोसेसिंग की क्वालिटी की वजह से, तो भाई उसको भी बैकहैंड कर देगी। और मैक्रो कैमरा और डेप्थ सेंसर को तो यार वहाँ पर तो एक किलर ही होने वाला है, क्योंकि 5 मेगापिक्सल इमेज क्वालिटी नो डाउट। ज़रूर वेट करो उस डिवाइस का और चेकआउट करो कि क्या हमें सैमसंग इस बार वाकई। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप इस मोबाइल का वेट कर रहे हैं या नहीं, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मोबाइल कैसा लगा। अली को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।